अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कब अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सिटी में? मैं बच्चों डेली अवेलेबल होती हूँ फ्रॉम 10 to 4 PM तक ऑलमोस्ट जो है ना मैं होती हूँ यूनिवर्सिटी मैम में। कौन से रूम में? ये जो कोऑर्डिनेटर्स का रूम है ना, कायनात, मिस कायनात और मिस रामीन का रूम, उसके बिल्कुल सामने वाले रूम में। ठीक है मैम, कल आपको लॉग बुक सबमिट करवा सकते हैं ना बाय हैंड? जी लॉग बुक सबमिट करवा सकते हैं मुझे, जिन स्टूडेंट्स ने बना ली है वो मुझे सबमिट करवा दें। और स्टूडेंट्स सेकंड मैंने अनाउंसमेंट ये करनी थी कि जो बच्चे हैं वो अपनी कुछ बच्चे ये होता है कि मोस्टली SEP 2, क्योंकि मैं SEP 2 और SEP 4 दोनों ले रही हूँ, तो SEP 2 के स्टूडेंट्स जो है ना मोस्टली क्या कर रहे हैं कि काफी तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी दोनों चीजें सेंड कर देते हैं, लाइक वीडियो प्रेजेंटेशन भी और PPT स्लाइड्स भी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ या तो जूम प्रेजेंटेशन अपनी सेंड करते हैं या फिर स्लाइड्स। तो बच्चों काइंडली आप लोग दोनों फाइल्स को अटैच करके ना एक ही मेल में, या अगर अगर वो एक्सीड करती है थोड़ी लिमिट से, तो आप लोग एक ही साथ दोनों मैसेजेस मुझे कर दो, ताकि वो मैसेजेस मिस ना हो इनकेस अगर वो मिसिंग। लेकिन मैं फिर भी सारे बच्चों को बैक जो है ना वो रिप्लाई में यही कहती हूँ कि अगर किसी ने अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन सेंड की होती है तो मैं उनको कहती हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल भूल जाता है शेयर नहीं, उसको याद नहीं रहता कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी सेंड करनी है, तो मैं उसको रिमाइंडर दे देता हूँ। तो आप लोग ऐसा करो कि दोनों फाइल्स जो है ना मुझे एक ही साथ एक ही मैसेज में सेंड कर दो, ठीक है। और बाकी आप लोगों का जो SEP का, मेरा SEP 2 का कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई थिंक सो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स में एक एक चीज को कवर किया है। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, बेसिकली आपकी क्लिनिकल बेड साइड का, वो सारे बच्चों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। उसके लास्ट पे जो मैंने लास्ट टाइम हाउ टू राइट आउट द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसको हम कैसे मेंशन करते हैं, वो मैंने सबको डिटेल में बताया था। आई थिंक सो कि उसको करने के बाद कभी भी वाइवा में अगर हमें रिटर्न क्लिनिकल एग्जामिनेशन कह दिया जाए, या मोस्टली ये होता है कि कुछ एग्जामिनर्स कहते हैं कि हम लिख कर दिखाएं, ठीक है। तो बच्चों उस के बाद जो है ना वो मेरे ख्याल से हम जब उस अगर उसी फॉर्मेट को अगर हम अप्लाई करेंगे तो आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे और आपकी वाइवा में जो है ना वो उस एग्जामिनर के सामने जो है ना वो मतलब रेपुटेशन भी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि हाँ एक बच्चे को फॉर्मेट पता है कि मैंने ऐसे लिखना है। बिकॉज आपको पता है कि चीज को मेंशन करने, मतलब रिटन डाउन करने में और उसको बेसिकली लर्निंग में करने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट सारे बच्चों ने लर्न करना है, याद करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे लिखना है। फिर बच्चों इसी तरह ये जो हमारी क्लिनिकल लॉग बुक नहीं सॉरी, आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपके चैप्टर के लास्ट पे एक रिव्यू का सेक्शन बना हुआ है, मतलब उन्होंने पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है। तो बच्चों आप लोग उस पूरा पढ़ने के बाद ना, चैप्टर को रीड आउट करने के बाद आपने क्या करना है कि वो जो कॉलम्स बने हुए ना लास्ट पे, आपने उनको रीड आउट करना है। तो आज बेसिकली मैं क्या करूंगी कि मैं उन कॉलम्स को भी रीड आउट करूंगी एक दफा, और नेक्स्ट में आप लोगों के साथ जो है ना हम कुछ फॉर्मेट भी शेयर करूंगी। मैं सुन रहा हूँ कि उनकी बड़ी प्यारी है, उसको म्यूट तो कर ले। जी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? मैम परफॉर्मेंस का बता दें, आप देंगी कि हमने खुद ही करने हैं? परफॉर्मेंस का बच्चे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ हिस्ट्री शेयर की थी, आज जो है ना वो हम एक एक दो और हिस्ट्रीज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। वो हिस्ट्रीज हम लोग उसको देखेंगे कि हमने कैसे उसको करना है, मेंशन करना है इन द फॉर्म ऑफ पेशेंट में। हमें वो हिस्ट्रीज पता होनी चाहिए कि लाइक हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वो हमने उसको कैसे उस परफॉर्मा को फिल करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ना आज अभी शेयर करती हूँ उसका फॉर्मेट बेसिकली क्या है, ठीक है। जी मैम ये day 9 के लास्ट पे असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस लिखा हुआ है, ये लिखना है हमने? नहीं बच्चों ये अभी नहीं लिखना, ये मैं बताऊंगी नहीं आप लोगों लिखना, को कब मेंशन करनी है। हाँ जी
ओके मैम, लॉग बुक्स कब तक जमा करवानी है? बच्चों आप लोगों के पास टाइम है लॉग बुक सबमिट करवाने का नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है? लेकिन मोस्टली आप लोग जो है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बता दिया और सारा कुछ कर दिया, तो आप लोग जो है ना वो अपनी लॉग बुक्स ना मतलब उसको तैयार करना शुरू कर दो, ये आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब क्योंकि मैं जब लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग अगर साथ साथ उसको फिल कर लोगे तो वो ज्यादा ईजी हो जाएगा। हो सकता है कि बाद में टाइम भी ना मिले। फिल कर लिया हुआ है तो इसीलिए मैं आपसे मेडिकल परफॉर्मेंस का पूछी थी कि आप कंफर्म बता दें, क्योंकि फिर आगे मिड स्टार्ट हो जाने हैं तो फिर उनपे बच्चों जिन्होंने कंप्लीट कर लिए ना या जिन्होंने हिस्ट्रीज लिख ली हैं वो मुझे लॉग बुक्स अपनी सबमिट करवा दें, ठीक है? मैं अपने से अपनी मर्जी से खुद लिख सकते हैं। आप लोगों ने लिखे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केस हिस्ट्रीज खुद से डिवेलप की है या अपने से लिखी है तो इश्यू नहीं है उस बात का, लेकिन वो करेक्ट होनी चाहिए और एग्जैक्ट उस फॉर्मेट पे होनी चाहिए जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए ठीक है। लेकिन मैम अगर हम आपको वैसे लॉग बुक जो है वो मिड्स के बाद सबमिट करवा सकते हैं? बच्चों मिड्स का ज्यादा टाइम ना उसको करना के मिड्स के बहुत बाद, लाइक मिड्स के स्टार्ट के पेपर्स में आप लोग मुझे सबमिट करवा सकते हो, ठीक है? यहाँ तक मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन बहुत एंड पे मिड्स के एंड पे जाकर सबमिट ना करवाइएगा, क्योंकि फिर मुझे असेसमेंट्स में वो लॉग बुक्स भी सारी चेक करनी है और फिर उनकी पूरी सेशनल असेसमेंट्स आप लोगों की बनानी है। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट ये थी कि जो वीडियो प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स हैं वो तो सारे बच्चे मुझे अपनी अपनी मेल्स कर दें, क्योंकि 28 जून तक मैंने अब डेट एक्सटेंड कर दी है, इससे आगे नहीं होगा टाइम बच्चों। तो काइंडली मुझे अपनी जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो एक ही मैसेज में दोनों चीजें अटैच करके अपना नेम मेंशन करके, काफी स्टूडेंट्स का मुझे बहुत अच्छा फॉर्मेट लगा कि उन्होंने अपने नेम्स भी मेंशन किए हैं, अपने उन्होंने बेसिकली स्टूडेंट आईडीज भी मेंशन की है, ठीक है? और नीचे उन्होंने SCP-2 और सारा कुछ मेंशन किया है, दैट इज वेरी गुड, मुझे उनका फॉर्मेट बहुत पसंद आया। बच्चों बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ना इसी चीज को फॉलो करें, और बाकी ये है कि आप लोग 28 जून तक ना, आपको मैंने बेसिकली टाइम दिया है तो आप लोगों ने इसको ना कंप्लीट करना है और मुझे फिर सबमिट करवानी है। मैम कब होगा? जी बच्चे क्या क्वेश्चन है आपका? वाइवा कब तक होगा? वाइवा बच्चों इसका अभी फिलहाल हमारे साथ कोई इसका स्केड्यूल शेयर नहीं हुआ, ठीक है? मे बी ये मिड्स में आपको डेट बता दी जाए, ठीक है, इसके वाइवा की। बट अगेन मैं वही कह रही हूँ कि प्रेपरेशन आप लोगों ने अपनी इसकी फुल रखनी है। मैं आपके साथ क्लासेस के अंदर हम लोग अब ऐसा करेंगे कि केस हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्रीज है ना उसको डिस्कस करने के बाद हम रिविजन करेंगे, थोड़ी सी हम चीजों को रिवाइज करेंगे। ऑब्वियसली वो जो लेक्चर्स होंगे ना आपके वो शॉर्ट होंगे, यानी मैं इतना ज्यादा, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं वो 1-1 आवर से ऊपर के टाइमिंग्स पे गए हैं, 97 मिनट्स और ऑलमोस्ट इतने थे, तो अब हम लेक्चर्स को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। बट आपके साथ रिविजन सेशन होगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपनी असेसमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, मैंने इसीलिए वीडियो प्रेजेंटेशंस आप लोगों को फॉर्मेट पे दी थी कि हमारे पास जो टाइम बाकी स्पेयर होगा जो लेक्चर्स होंगे उनमें क्या होकर हम करेंगे कि हम उनमें रिविजन करेंगे चीजों, ठीक है? जितनी ज्यादा दफा हम लोग चीजों को रिवाइज करेंगे ना, मैक्सिमम में आप लोगों की तैयारी आपके वाइवा की इसी लेक्चर्स में आप लोगों को मैं करवा दूंगी। किसी बच्चे को शायद आई थिंक सो के वाइवा में भी पढ़ने की जरूरत हो, हम इतनी अच्छी तैयारी अपनी इस क्लास में करेंगे कि आप लोगों की फिंगर टिप्स पे ना हर चीज है। आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को उसका आंसर आता हो, आप उधर कंफ्यूज ना हो। जी मैम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्ट्रेस हमने लेनी है, हमने SCP-2 में जो डिजीज पड़े हैं उन्हीं में से हमने सेलेक्ट करना है। नहीं बच्चे रैंडमली ले सकते हो, लाइक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स एक आधा केस उठा लो उधर से, अनीमिया का ले लो, जॉन्डन्स का ले लो, वो ठीक है, एक दो केसेस ले लो, लेकिन बाकी 3 केसेस आप जनरल, क्योंकि हिस्ट्रीज ले रहे हो ना तो वार्ड में तो हम बाउंडेड नहीं ना होते कि हमने इसी के पेशेंट्स की हिस्ट्रीज लेनी, हम तो किसी पेशेंट की भी हिस्ट्री ले लेते हैं। लाइक आप किसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट की हिस्ट्री ले लो, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोगों को ना उसका आइडिया हो जाएगा। बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? नो मैम। नो मैम। आप शेयर हुई है? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके
मैम काइंडली ये बता दें कि वीडियो प्रेजेंटेशन का टाइम 10 मिनट से ज्यादा हो सकता है? 10 मिनट्स बच्चों मैक्सिमम है, 10 to 11 से इतने मिनट्स का हो जाए, इससे ज्यादा का ना हो। जी मैम थैंक यू। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों आपका मेडिकल इवैल्यूएशन परफॉर्मा जिसकी हमने उस दिन बात की। ठीक है, आज अगेन हम इसी पे बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेड साइड से पढ़ाऊंगी। बस हम आज ये दो चीजें पढ़ेंगे। मेडिकल इवैल्यूएशन परफॉर्मा में बच्चों मैंने लास्ट टाइम आपको शायद गैस्ट्राइटिस का केस बताया था ना? यस मैम। आज बच्चों हम दो तीन और केस हिस्ट्रीज में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, वो सारे बच्चे ना उसके सारे पॉइंट्स थोड़े से ना अगर किसी ने नोट डाउन भी करने हुए तो कर लें, क्योंकि समटाइम्स होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी हो रही हो प्रॉब्लम हो रही होती है कि मैम हम केस हिस्ट्रीज कैसे बनाएं। तो बच्चों ये मैंने पेट केसेस आप लोगों के साथ जो है ना वो डिस्कस करने लगे। बच्चों अगेन हम उस दिन गैस्ट्राइटिस का पेशेंट हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग एक फ्रैक्चर वाले पेशेंट की डिस्कशन कर लिया। पेशेंट का नेम आप कोई भी लिखते हैं, एज उसकी यंग थोड़ी सी एज लिखी। ठीक है, उसका बेसिकली जेंडर उसका आप लिखें मेल है फीमेल है, मेल लिखते हैं। ठीक है, पेशेंट नंबर आप उसका लिखें, डिपार्टमेंट मैंने अगेन कहा था वो मेल है तो वो जनरल मेल वार्ड से, या फिर आप यहाँ बच्चों अगर सेकंड हिस्ट्री आपने लिखी है तो आप लिख दो के जनरल ओपीडी, जनरल मेल ओपीडी। ठीक है, आप जनरल मेल ओपीडी भी लिख सकते हो। बच्चों डेट इसमें आपने जून मंथ की एंटर करनी है, कोई सी भी डेट आप रेंडमली एंटर कर लो, बिकॉज हम ये लॉग बुक आपकी जुलाई में सबमिट कराने लगे ना, तो ऑब्वियसली हमने हिस्ट्री जून में लिखी होगी। देन बच्चों अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी? एक ऐसा पेशेंट जो मेरे पास फ्रैक्चर के साथ आया है, उसको सिर्फ दो कंप्लेन हो सकती है, या तो उसको फीवर होगा, वो कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, और ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि मुझे बुखार 2 दिनों से है। तो बच्चों फीवर प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स में आपने फीवर लिखने के बाद ना आगे 2 डेज लिख देना, और वो क्या कह रहा है कि मुझे ना अपने जो फ्रैक्चर साइट है ना वहां से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। लाइक उसको फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन अब उसको क्या मसला आ रहा है, वो ओपीडी में आया है, फ्रैक्चर उसका हुआ हुआ है, मसला उसको हुआ हुआ है, अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा मेरा डिस्चार्ज यानी थोड़ी पस निकल रही है या मेरा थोड़ा यहाँ से ब्लड हो रहा है। तो आपने क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखना है कि डिस्चार्ज फ्रॉम द फ्रैक्चर ऑलमोस्ट ये भी 2 डेज अगो, और उसको फीवर भी 2 दिन से है, पेशेंट अब ओपीडी में आ गया आपके पास। अब बच्चों हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में मैंने उस दिन एक लाइन बताई थी, कोई मुझे बताएगा बच्चा क्या लाइन बताई? 2 डेज की उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताई हैं, तो आपने क्या लिखना है कि 2 डेज बैक, ठीक है, व्हेन सडनली वॉटरी डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम हिज, थोड़ा आराम से बोले। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि व्हेन सडनली watery discharge occurs from his wound which continues in manner and is in small amount. Fever was low grade in nature अब बच्चों मैंने उस दिन एक बात बताई थी कि हम पेन के बारे में 2 बातें बताते हैं, क्या थी वो, क्या थे वो पॉइंट्स? उसके एलिवेटिंग एग्रीवेटिंग और एलिवेटिंग फैक्टर, हां लिविंग फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर की चीज पे काम होती है। तो अब आप देखें कि सेवेरिटी भी बता सकते हैं कि माइल्ड है या फ्रैक्चर का। अब ना अब आप सोचें कि एक फ्रैक्चर का पेशेंट, बिकॉज आपके पास पेशेंट नहीं है ना, आप तो अज्यूम हिस्ट्री लिख रहे हो, आप फ्रैक्चर के पेशेंट को क्या हो सकता है, पेन हो सकती है किस स्वेरिटी की? अब ये तो कुछ बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि हाँ पेन की स्वेरिटी भी हमने लिखी है। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैंने आपको केस हिस्ट्रीज इसलिए फॉर्मेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि हम अपने से केस हिस्ट्रीज नहीं बना सकते, और हाँ
मेरी केस हिस्ट्रीज के अलावा जिन जिन स्टूडेंट्स की केस हिस्ट्री अगर उन्होंने खुद एफर्ट की भी बनाने की भी तो मैं उनको ग्रेस मार्क्स भी दूंगी लॉग बुक, क्योंकि उन्होंने एफर्ट की है और खुद से बनाई है हिस्ट्री. आपके पास पेशेंट्स नहीं थे, आपके पास डेटा नहीं था, तो आई विल गिव जो भी स्टूडेंट होगा मैं उसको ग्रेस मार्क्स दूंगी मेरी केस हिस्ट्रीज के अलावा. अगर किसी ने कोई केस बनाया हुआ कि लाइक किसी ने डायग्नोसिस बनाया हुआ अपेंडिक्स का और प्योरली अपेंडिक्स के फीचर्स उसको पता चल रहे हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में वो कंप्लेंट्स हो, हिस्ट्री में वो बातें हो, ठीक है, आगे जाके कुछ चीजें हो एग्जामिनेशन के पास, तो मैं उसको मार्क्स दूंगी एक्स्ट्रा मेरे केस हिस्ट्रीज के अलावा. अगर किसी ने कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ जिस तरह अपनी नॉलेज यूज करके अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी एफर्ट मुझे नजर आई ना जिस बच्चे की भी लॉग बुक में, उसको मैं मार्क्स दूं. ठीक है, तो बच्चों अब हमने लिखना है कि पेन, अब उसको बेसिकली फ्रैक्चर हुआ तो क्या हम लिखेंगे कि जो उसकी पेन थी, पेन इज एग्रीवेटेड ऑन एक्सट्रीम वेट बेरिंग. जाहिर सी बात है जब वो वेट बेरिंग कर रहा था या जब वो स्टैंडिंग था तो आप लिख सकते हैं कि वो इन स्टैंडिंग कंडीशन ऑन वेट बेरिंग उसकी पेन बहुत ज्यादा थी. बट पेन इज रिलीफ ऑन रेस्ट, जाहिर सी बात है जब वो रेस्टिंग पोजिशन में था, जब उसके ज्वाइंट रेस्टिंग पोजिशन में थे तो उसकी पेन भी रिलीव हो गई. बच्चों ये हमारी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस कंप्लीट हो जाती है. अब उसके बाद बच्चों आती है हमारी पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री. डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट को नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं थी, एस्थमा नहीं था, ड्रग हिस्ट्री नहीं थी, ये सारा कुछ आपने नो कर दिया. गायनेकोलॉजिकल क्योंकि मेल पेशेंट था तो नॉट सिग्निफिकेंट. इसी तरह ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पेशेंट की क्या आएगी, नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि वो मेल पेशेंट था ना. लेकिन बच्चों अगर मैंने एक पॉइंट आज सर ये भी डिस्कस करना है कि इसके बारे में एक फीमेल हिस्ट्री बताऊंगी, लाइक अगर किसी फीमेल पेशेंट को आप देख रहे हो, लाइक अगर उसमें इश्यू कोई नहीं भी है, लाइक उसको कोई मसला था कि उसको ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था फीमेल को, ठीक है, तो बच्चों उसकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में आप उसके पीरियड्स का लाइक उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का जरूर पूछोगे. आपने उस फीमेल का यहाँ मेंशन करना है कि उसका नॉर्मल साइकिल था, आपने उसे थोड़ी सा पूछ लेना है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. लाइक अब ये भी काम आप एज्यूम ही करोगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इसका मतलब था कि उसको तो अभी प्रॉब्लम है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की चल रही थी, तो आप गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में लिख दो कि उसके नॉर्मल पीरियड थे या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल था. ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में ठीक है वो कहती कि मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, तो जस्ट आपने लिखना है कि नॉट सिग्निफिकेंट. बस उसमें यह है कि आपने उस फीमेल की एज थोड़ी कम रखी है, लाइक 26-27 कि वो अनमैरिड स्टेटस पे शो करा. अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि हिस्ट्री को डिजाइन करना है लेकिन उसका पता चले कि आपने हिस्ट्री डिजाइन की है, ठीक है. ऐसा ना हो कि कोई मैरिड फीमेल की एज ऊपर मेंशन की हुई है और नीचे उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नॉट सिग्निफिकेंट है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता, फिर आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा. तो आप उसमें उस उतनी मुश्किल और डिफिकल्टी लेवल में जाओगे, आप उसकी एज ही थोड़ी कम शो करो तो ठीक है नॉट सिग्निफिकेंट. बट हाँ उसका गायनेकोलॉजिकल पीरियड साइकिल तो था, तो आप वहां लिख दो के नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर नॉर्मल उसका उसके पीरियड, ठीक है. देन बच्चों ऑपरेशनल हिस्ट्री. अब ऑब्वियसली फ्रैक्चर का पेशेंट है तो उसकी फिक्सेशन तो हुई होगी ना बच्चों, यहां मेंशन करेंगे इंटरनल फिक्सेशन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट कह रहा था कि मैंने नहीं करवाया एक्सीडेंट के बाद, तो नॉट सिग्निफिकेंट. अदर्स में ठीक है कोई मसला नहीं था पेशेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपने लिख देना नॉट सिग्निफिकेंट. देन बच्चों ड्रग ट्रीटमेंट हिस्ट्री आती है. अब बच्चों जो ड्रग ट्रीटमेंट हिस्ट्री है ना, ऑब्वियसली पेशेंट कह रहा था कि मैं किसी ड्रग से एलर्जिक नहीं था. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गैस्ट्राइटिस का पेशेंट एनसेट से एलर्जिक हो सकता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे. अब आपका फ्रैक्चर का पेशेंट कह रहा है कि मुझे किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी नहीं है, आपने लिख देना नॉट सिग्निफिकेंट. पर्सनल हिस्ट्री में वो कह रहा था कि हाँ मैं कभी कभी स्मोकिंग कर लेता हूँ, हालांकि इसका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है फ्रैक्चर से, लेकिन आपने अपनी हिस्ट्री को थोड़ा लिखना भी तो है ना कुछ मटीरियल अंदर. जी मैम ये जो ड्रग हिस्ट्री है इसमें हम ये नहीं लिखते कि मतलब पास्ट में मतलब जो ड्रग्स ले रहा है, अगर वो हाइपरटेंसिव का पेशेंट है वो कहेगा कि मैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स लेता हूँ.
नहीं बच्चे, उसमें ये होता है कि अगर स्पेसिफिकली उसे किसी मेडिकेशन की एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है ना, तो फिर उसकी वो ड्रग हिस्ट्री सिग्निफिकेंट बनती है. लाइक मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्राइटिस का पेशेंट, हमने उससे पूछा कि आपको कैसे हुआ, तो वो कह रहा था हाँ मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने पेन किलर्स बहुत ज्यादा ली है. तो दैट्स व्हाई वहां तो हमारी वो जस्टिफिकेशन बन रही है कि हमारी हिस्ट्री को वो सिग्निफिकेंट कर रही है कि हाँ एनसेड्स की वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई. लेकिन बच्चों अगर एनसेड्स लेने की वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, और अब देखे ना कि यहाँ पे ऐसे पेशेंट की, मेरे फ्रैक्चर वाले पेशेंट को किसी मेडिकेशन से कोई एलर्जी नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली उसकी नॉट सिग्निफिकेंट होगी. हो सकता है कि वो पेन किलर्स ले रहा हो, ठीक है ना, लेकिन उसको गैस्ट्राइटिस इश्यू तो नहीं आ रहा ना, उसे तो प्रॉब्लम ही कुछ और है, बोन में उसको मसला है. उसके बाद बच्चों फैमिली हिस्ट्री में वो कह रहा है कि नहीं मुझे कोई हाइपरटेंशन की क्योंकि हिस्ट्री नहीं थी, तो मेरी फैमिली हिस्ट्री भी नॉट सिग्निफिकेंट थी. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी पेशेंट कहता है कि मेरा क्या था, नॉर्मल था. तो आप लिख सकते हो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, आप लिख सकते हो कि पेशेंट जो था ना वो नॉर्मल था, लाइक वो बेसिकली जो था ना वो मिडल फैमिली से बिलोंग करता, ठीक है. देन आप सिस्टमैटिक रिव्यू की तरफ बच्चों आते हो, तो अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये फ्रैक्चर का पेशेंट है तो इसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा? मस्कुलोस्केलेटल. मस्कुलोस्केलेटल, हाँ. और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है बेसिकली, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है. तो हम हर सिस्टम को यहाँ पे क्या करेंगे कि उसकी हिस्ट्री नॉट सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, लाइक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना चल रही उस रिलेटेड. जब बच्चों आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखोगे तो आप अगेन उस पेशेंट का नेम वही जो आपने परफॉर्मा के ऊपर लिखा है आप यहाँ मेंशन करोगे, उसकी एज वही आपने जो ऊपर लिखी है वही, जेंडर भी वही मेल था, फ्रैक्चर के साथ आया लिखते ऊपर, डेट ऑफ एडमिशन अपनी मर्जी से डालोगे. लेकिन आपने एक बात का ये रखना है कि आपने ऊपर भी एक डेट मेंशन की, उसके अकॉर्डिंगली डेट हो. नेक्स्ट आप नीचे कह रहे हो कि हाँ जनरल फिजिकल अपेयरेंस में ना पेशेंट थोड़ा सा मतलब क्योंकि फ्रैक्चर के साथ आया था ना, तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट को पेन, तो आपने कह देना कि पेशेंट थोड़ा उसकी जो लुक थी ना वो थोड़ी एग्जॉस्टेबल था उस वक्त, और उसका फेशियल जो एक्सप्रेशन था वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, फिजिक में भी वो थोड़ा वीक था, ठीक है, क्योंकि वो इल लुकिंग पेशेंट था जैसे मैंने बताया था. मैम ये एक लाइन में लिखेंगे कि पॉइंट्स में लिखेंगे? ये बच्चों आप लोग लाइन में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, लेकिन आज ज्यादा अच्छा ये है कि आप अगर लाइन में लिखते हो, ठीक है. उसके बाद बच्चों ब्लड प्रेशर आप उसका चेक किया तो आपको लगा कि थोड़ा सा ब्लड उसका ना जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है. फिर उसका पल्स रेट, टेम्परेचर, रिस्पायरेटरी रेट, जीसीएस उस पेशेंट का, फ्रैक्चर वाले पेशेंट का भी ना जीसीएस ऑलमोस्ट 15/15 होता है, कोई मसला नहीं. आपने जितनी केस हिस्ट्रीज लिखनी है ना उसमें आपने हर पेशेंट का GCS 15/15 लिखना है. ये बात आपने पेट लिखनी है बिकॉज बच्चों हम हिस्ट्रीज में ऊपर मेंशन कर रहे हैं जनरल मेल वार्ड या जनरल ओपीडीज, तो ऐसे ओपीडीज में या मेल वार्ड में या फीमेल वार्ड में जो पेशेंट्स होते हैं ना वो आपके वाइटली स्टेबल पेशेंट होते हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं होता जिनका GCS ऑल्टर नहीं करता, उनका GCS 15/15 होता है. देन बच्चों फेस में आपने देख लिया कि सिमेट्री आपने कह दिया कि हाँ थोड़ा सा लग रहा था कि पेशेंट जो था ना वो मतलब लिथार्जिक था या कुछ ऐसा ना, कलर स्किन का उसका थोड़ा सा आपने बता देना है कि हाँ अगर मतलब अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी चेंज करनी है तो आपने कह देना है कि हो सकता है कि उसको ना, अब देखो ना उसका फ्रैक्चर हुआ है तो उसका ब्लड लॉस हो सकता है, पेशेंट अनिमिया में जा सकता है तो अनिमिया के सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, फ्रैक्चर जो हुआ हुआ उसको उसका ब्लड लॉस तो हुआ होगा ना उसके फ्रैक्चर साइड से, तो एनीमिक हो सकता है. तो आप लिख सकते हो कि कलर ऑफ स्किन उसका पेल था और स्क्लेरा का कलर आप लिख दो बेशक नॉर्मल था, जॉन्डन्स इतना ज्यादा तो नहीं हुआ था कि जॉन्डन्स हो सके, लिप्स का भी आप लिख दो कि नॉर्मल था, साइनोसिस नहीं थी, जॉन्डन्स भी नहीं थी, हाँ पैलर था पेशेंट, पेरीऑर्बिटल एडिमा भी नहीं था, प्रोप्टोसिस नहीं थी, स्किन रैशेज उसको नहीं थे, फेशियल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल थी, पेरोटिड ग्लैंड्स भी आपने चेक किए तो नॉर्मल थे, टीथ आपने चेक किए तो नॉर्मल थे, टंग आपको लग रही थी क्योंकि हमारा फ्रैक्चर का पेशेंट है तो हो सकता है कि पेशेंट थोड़ा सा ना उसके मतलब हो के वो थोड़ा सा ना डिहाइड्रेटेड हो पेशेंट ना, हो सकता है ये केस, काफी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि पेशेंट होते हैं डिहाइड्रेटेड. नेल्स उसके नेल पे कोई फाइंडिंग्स नहीं आएंगी फ्रैक्चर पेशेंट की बच्चों, ठीक है, सारे हम लिखेंगे नॉट सिग्निफिकेंट. फिंगर्स में ऑजलर नोट्स, हर बर्डन नोट्स, बुचर्ड नोट्स, इंटरफ्लेंजुअल जॉइंट्स,
ये सारे जो है ना इस पे भी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। पाम्स पे आप लिख सकते हो कि हाँ पेशेंट को थोड़ी सी पामर स्वेटिंग थी, एरिडेमा नहीं था, और नेक में थायरॉइड ग्लैंड्स नॉर्मल थे, एक्जिला में हमने लिम्फ नोड्स को चेक किया तो वो भी नॉर्मल थे, ग्रोइन एरिया के, हाँ यहाँ लिख सकते हो कि ग्रोइन एरिया के लिम्फ नोड्स थोड़े से एनलार्ज थे। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रैक्चर बता रहे हैं कि उसको लेग का फ्रैक्चर हुआ है, लाइक उसकी फ्रैक्चर साइड जो थी वो लेग थी, राइट लेग थी, तो हाँ ग्रोइन एरिया के लिम्फ नोड्स आप कह सकते हो कि थोड़े एनलार्ज थे या उनकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर की वजह से बच्चों हो सकता है कि उसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई। हाँ फील्ड्स में एडिमा भी आ सकता है फ्रैक्चर की वजह से, क्लबिंग नहीं हो सकती, कोलोनेकिया नहीं हो सकता, साइनोसिस नहीं हो सकता। रेफरल में मैंने क्या उस दिन बताया था कि हमने क्या लिखना होता है, कि कोई रेफरल केस नहीं था और सिग्नेचर ऑफ ड्यूटी डॉक्टर अभी आप लोगों ने नहीं कर। यहाँ तक सब बच्चों को ये केस पता है, इसका कोई प्रॉब्लम इसमें आई हो? नो मैम। मैम अगर हम हॉस्पिटल जाके हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो तब हमें ये साइन करवाने पड़ेंगे? बच्चों मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की हॉस्पिटल वार्ड रोटेशंस जब होंगी ना तो उसमें ये होगा कि आप लोगों को सिर्फ केसेस दिखाए जाएंगे, वहां पे हो सकते जाके साइन करवा लें। लेकिन ना अभी मैं इसलिए नहीं आप लोगों को कह रही कि एक दफा मैं डॉक्टर हारिस से इस बात पर कंफर्मेशन कर लूं कि इस पे साइन बच्चों ने खुद करनी है, या फिर ये जब मुझे लॉग बुक सबमिट कराएंगे तो मैं ही किसी डॉक्टर से करवाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने केस हिस्ट्रीज ली नहीं आएंगे बेसिकली, अगर अज्यूम भी की है तो यहाँ किसी ऑथेंटिक पर्सन के साइन अगर हो तो बेहतर है, इसलिए साइन वाला पोर्शन अभी छोड़ो, बाकी सारा फिल करो। नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर में आपका नाम लिख दे फिर। नहीं नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर में मेरा नाम नहीं लिखना, बल्कि आप लोग ऐसा करो कि नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर का जो सेक्शन है ना वो भी अभी छोड़ दो और सिग्नेचर वाला पोर्शन भी छोड़ दो, बाकी सारा कुछ फिल करो, डेट और सारा। मैम ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बच्चों ने खुद ही कर दिया था सब कुछ फिल। हाँ तो फिर ऑनलाइन में मे बी ऑनलाइन में होता तो फॉर्मेट यही है, लेकिन फिर भी एक दफा मैं मंडे तक डॉक्टर हारिस से कंफर्म कर लूँ कि वो क्या कहते हैं, अगर मे बी अगर उन्होंने कल कंफर्म कर दिया तो मैं आपको मेल पे मैसेज कर दूंगी कि उन्होंने ये कंफर्म कर दिया तो आप लोग खुद ही कर लोगे। आई थिंक लेकिन एक दफा कंफर्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। नॉट सिग्निफिकेंट की जगह नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों कुछ चीजें हैं ना कि वो जिस तरह गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ये नॉट सिग्निफिकेंट ही आएंगी, पर्सनल हिस्ट्री या फिर इधर ड्रग हिस्ट्री तो वो नॉट सिग्निफिकेंट में आएंगे, वो नॉर्मल ही आएंगे। हाँ वो आगे आप लिख सकते हो कुछ चीजों में, आप जो जर्नल फिजिकल अपीयरेंस में है ना मतलब उधर आप मेंशन कर सकते हो। मैम रेफर टू में नेम मेंशन करना है? क्या मेंशन करना है? रेफर्ड टू उसको छोड़ देने, उसमें आपने कुछ नहीं मेंशन करना, आपने लिखना है कि नॉट आर रेफरल केस, हर बच्चे ने ये लिखना है कि कोई रेफरल केस नहीं था। इसका मतलब बच्चों पता क्या होता है कि आपको ये पेशेंट कहीं से रेफर्ड हो गया है तो नहीं आया, वो पेशेंट जस्ट उस वार्ड में आया। मैम फिजियोथेरेपिस्ट को सारे पेशेंट रेफर ही होते हैं, उनके पास खुद कोई भी नहीं आता। फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो सारे पेशेंट नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट काफी काफी ऐसे भी हैं, ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं जिनके पेशेंट्स अपने भी होते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो अ फिजियोथेरेपिस्ट तो मेरे भी अपने पेशेंट्स होते हैं, तो इस वजह से जरूरी नहीं है कि हर फिजियोथेरेपिस्ट के पेशेंट्स रेफर्ड ही हों डॉक्टर से। मैम वो पहले कहते हैं ऑर्थो वाले के पास जब वो रेफर करेंगे तो हम करेंगे। नहीं बच्चों ऐसे भी नहीं होता, लेकिन ये कि जैसे आई एम ऑल्सो अ फिजियोथेरेपिस्ट तो मेरे भी पेशेंट्स अपने ही होते हैं, मतलब मेरे पास पेशेंट रेफर्ड बहुत कम आता है, मोस्टली मेरे पेशेंट्स अपने ही होते हैं कि मतलब जो मैंने किए होते हैं केस या कोई ऐसा इमरजेंसी में पेशेंट समटाइम आ जाता है उसको भी फिजियो की जरूरत होती है, इमरजेंसी पेशेंट्स में भी फिजियोथेरेपी होती है, चेस्ट फिजियोथेरेपी हाँ सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट। वो तो मैम कॉल आती है तो उन्हें वो सेरेब्रल पॉल्सी होती है। हाँ सीपी के बच्चे भी होते हैं, सीपी के बहुत ज्यादा स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, इवन आप देखो कि आपके जो स्ट्रोक में बेसिकली हेमरेजिक स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं ना जो न्यूरोसर्जरी वार्ड्स में आते हैं ऐसे पेशेंट्स पे तो एट द स्पॉट मतलब विदिन वन डे आपको फिजियो करवानी पड़ती है, द पेशेंट इज अनएबल टू मूव आफ्टर दैट टाइम, पेशेंट आपका मूव ही नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मैम फॉलिश के पेशेंट्स को भी थेरेपी जरूरी है? किन पेशेंट्स को? मैम फॉलिश
किसके बच्चे फालिज के पेशेंट्स को? यस मैम। हाँ स्ट्रोक के पेशेंट्स को भी हम करते हैं, डायरेक्ट डील करते हैं। ये मैं स्ट्रोक का केस ही बता रही थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक ना बेसिकली। वन इज आपके पास इस्ट्रेमिक आता है जिसमें ब्रेन आर्टरीज बेसिकली ब्लॉक हो जाती हैं, एंड द सेकंड वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक। तो जो हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं ना, उनका जो प्रोग्नोसिस होता है ना वो बहुत ज्यादा टाइम बाउंडेड होता है कि अगर टाइमली उसको मैनेज किया जाए ना तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, एज कम्पेयर टू कि जो आपका इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। उसमें पेशेंट्स को वो डेवलप हो जाता है, मतलब उनको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज डेवलप हो जाती है। इस्केमिया जो होता है ना वो इतनी जल्दी ब्रेन एरिया रिकवर बैक नहीं करता आपका। अच्छा बच्चों, हमने ये केस हिस्ट्री तो डिस्कस कर ली है फ्रैक्चर की। अब बच्चों मैं आपके साथ एक और केस हिस्ट्री डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन दिखाऊंगी कि वो आपकी जो बेड साइड में बेसिकली ब्लॉक्स बने हुए उनको कैसे आप लोगों ने हटाया। बच्चों यूटीआई का केस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, ठीक है। अगेन इसमें ज्यादातर फीमेल्स को होता है, तो हम नेम किसी फीमेल का लिख देंगे, एज उसकी लिख देंगे, कोई भी लिख सकते हो आप। उसकी बेसिकली आपने यहाँ पर उसका बेसिकली जेंडर, फीमेल, पेशेंट नंबर अपनी मर्जी से आप कोई सा भी लिख सकते हो, 2, 3, 4 डिपार्टमेंट आप लिखोगे कि जनरल फीमेल वार्ड, डेट आप पिछले मंथ की एंटर करोगे, नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर अभी सारे बच्चे स्किप कर दें। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में जस्ट पेशेंट ने आपको ये कहा था कि मुझे ना बर्निंग मिक्चर, डिपार्टमेंट बता दें। डिपार्टमेंट बच्चों जनरल फीमेल वार्ड। ओके बच्चों प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में क्या होता है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में बेसिकली आपको आपको फीमेल आके ये कहती है कि मुझे ना जब भी मैं यूरिनेशन मैं करती हूँ ना तो मुझे बर्निंग मतलब सेंसेशन फील होती है, तो दैट इज कॉल्ड बर्निंग मिक्चुरेशन। इसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन, ठीक है। वो मुझे हमें कहती है कि मुझे बर्निंग मिक्चुरेशन हो रही है लास्ट वन मंथ, ठीक है। और स्पेसिफिकली वो कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज्यादा इन विंटर सीजन में स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हम विंटर सीजन का नहीं बताऊंगा, आप जस्ट लिखोगे कि उसको बर्निंग मिक्चुरेशन है वन मंथ से, ठीक है। अगर वो कहती है कि मुझे साथ पेन भी है तो आप पेन भी ऐड कर सकते हो कि हाँ मेरी पेशेंट को पेन भी है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर फ्रॉम लास्ट वन मंथ। दोनों सिम्टम आपने लिख दिए प्रेजेंटिंग में। अगेन आपने लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हम लोग कोई मेडिकल वर्ड तो नहीं यूज करते, तो हम सिर्फ बर्निंग का वर्ड नहीं यूज करेंगे? नहीं नहीं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप लोग मेडिकल टर्म्स यूज कर सकते हो, आप नीचे नहीं मतलब हिस्ट्री में नहीं कर सकते। लाइक हिस्ट्री में आप ये नहीं लिख सकते मिक्चुरेशन का वर्ड नहीं है। ऑपोजिट समझाया गया था कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हमने वो कंप्लेंट लिखनी है जो आपके पास जो पेशेंट आएगा उसकी जुबान में ही हमें लिखनी है। नहीं नहीं, प्रेजेंटिंग बच्चों प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में ना, नहीं नहीं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आपने मेडिकल टर्म्स आप लोग लिख सकते हो। लाइक मैंने लास्ट टाइम लिखवा था कि पेन इन एपिगैस्ट्रियम आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिख सकते हो, लेकिन नीचे जाके आप एपिगैस्ट्रियम का वर्ड यूज नहीं करोगे, आप नीचे वर्ड यूज करोगे कि पेशेंट को पेन जो है ना वो एब्डोमेन में है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लेमैन लैंग्वेज के अंदर होती है, लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स डॉक्टर्स लैंग्वेज में होती है, ठीक है जी। बच्चों मैंने लास्ट टाइम ऐसे नहीं बताया था, नहीं बच्चों, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है ना उसमें आप लोग हमेशा क्या करते हो कि मेडिकल टर्म्स ऐड कर सकते हो। लाइक आप लिख सकते हो कि पेशेंट को वोमिटिंग थी, एपिगैस्ट्रियम में पेन थी, उसको डायरिया था, तो ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस हमेशा आपकी लेमैन टर्मिनोलॉजी में होती थी, कोई भी उसको पढ़ सके ना तो वो अंडरस्टैंड कर सके कि क्यों हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का सेक्शन हर फाइल में बनाया जाता है पेशेंट की। क्योंकि समटाइम्स होता है कि पेशेंट की फैमिली रिलेटिव्स आके फाइल को पढ़ते हैं, वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को पढ़ के उनको समझ लग जाती है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी, वो लेमैन टर्मिनोलॉजी में इसलिए रखा जाता है। डॉक्टर्स के लिए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इनफ होती है पेशेंट की,
तो बच्चों ये जो मैंने केस बताया ना उसमें मैंने दो बताई है, बर्निंग मिंचुरेशन फ्रॉम द लास्ट वन मंथ, सेकंड पेन उसको थी लास्ट मंथ वन मंथ से, ठीक है। अब हमने जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है ना उसमें हमने इस तरह मेंशन करना है कि माय पेशेंट वाज इन हर जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ फ्रॉम द लास्ट वन मंथ व्हेन शी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, शार्प प्रिकलिंग। अब बच्चों इसकी जो पेन होती है ना उसके नेचर में प्रिकलिंग पेन होती है, इन द किस एरिया में होगी? लोअर एब्डोमेन? नहीं, प्यूबिक एरिया, बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट एरिया है ना। आप इसको यूरिनरी ट्रैक्ट एरिया यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने अभी बताया मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं कर सकते, आपने इसको प्यूबिक एरिया लिखना है, ठीक है। और आपने नेक्स्ट ये लिखना है कि उसके सिम्टम्स जो है ना, लाइक अ पेन तो है नहीं, अगर उसको पेन भी है हमने क्योंकि ऊपर पेन लिखा है, तो आपने ये भी लिखना है कि अलोंग विद पेन कि उसको बर्निंग मिक्चुरेशन भी है, उसको पेन भी है उस एरिया में, लेकिन वो पेन कैसे इंक्रीज हो रही है, किस चीज से इंक्रीज हो रही है? यूरिनेशन से। वो कहती है कि जब मैं यूरिनेशन करती हूँ या मुझे यूरिनेशन का फ्लो होता है उस वक्त मुझे स्पेसिफिकली पेन ज्यादा होती है, रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉर्मल। तो आप इस लाइन को कैसे लिखोगे, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सिम्टम्स वर प्रोवोक्ड ऑन यूरिनेशन एंड रिलीव्ड, आगे क्या इसके हम सेंटेंस बनाएंगे, एंड रिलीव्ड। जी बच्चों कोई भी बच्चा, एंड रेस्ट बाकी सारा टाइम उसको मतलब पेन या ऐसी बर्निंग मिक्चुरेशन फील नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अब आप डायबिटीज मेलिटस को आपकी मतलब चॉइस है कि अगर आप उसको येस करना चाहो, बाकी सारों को आप नो कर दो, ठीक है। और पेशेंट आपको अब क्योंकि वो फीमेल पेशेंट है तो गायनेकोलॉजिकल आप उसका मेंशन करोगे कि बेसिकली उसके जो नॉर्मल पीरियड से या फिर उसका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइक अगर आपने ऊपर फीमेल की एज कम रखी है तो नॉर्मल साइकिल आप करो, लेकिन अगर आपने फीमेल की एज रखी है 62 तो क्या उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तक कंटिन्यू होगा? मेनोपॉज लिखेंगे वहां, हम लिखेंगे कि उसकी मेनोपॉज है, मतलब हम लिखेंगे एज ऑफ मेनोपॉज इज इक्वल टू 45 इयर्स पे उसकी मेनोपॉज हो गई थी, एज उसकी आ गई थी, अब तो वो 62 में है तो उसकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री सिग्निफिकेंट, यहाँ हम सिग्निफिकेंट मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है कि फीमेल मेनोपॉज एक वर्ड यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर ऐसी फीमेल्स के लिए ये वर्ड यूज करेंगे। और वैसे भी फीमेल हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आई है, हम उस एरिया को डील कर रहे हैं, हमें उस एरिया से रिलेटेड अपनी हिस्ट्री में चीजें मेंशन करनी है, तो हम गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में मेंशन करेंगे कि उसकी जो एज ऑफ मेनोपॉज थी ना वो 45 थी या 48 थी या जो भी थी अब रेंडमली, लेकिन अराउंड अबाउट 45 ऑनवर्ड्स हो मेनोपॉज स्टार्ट होता था, 45 to 50 तक ना ऑलमोस्ट। देन वो कह रही थी कि हाँ मुझे उसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री में आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। समटाइम्स इस तरह होता है कि कुछ फीमेल्स में ना उनकी सी सेक्शन हुआ होता है या फिर उनकी ना अगर मैं थोड़ा ब्रॉड करके आप लोगों को बताऊं तो उनकी ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी जब उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना तो उनका क्या होता है कि वेजाइनल ओपनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ये समटाइम्स फीमेल पेशेंट्स को आफ्टर डिलीवरी, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि आफ्टर डिलीवरी, ये तो हम ऐसे पेशेंट की बात करें ना कि हमने उसकी एज थोड़ी ज्यादा कर दी, आप उसकी एज ज्यादा ना करो, आप उसकी एज रख दो 35 व्हेन शी इज कंसीविंग, तो उसने कंसीव करने के बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसकी वेजाइनल ओपनिंग, जब उसकी मतलब वेजाइनल ओपनिंग ज्यादा परसिस्ट कर जाती है समटाइम्स, तो उसके बाद फीमेल को ऑलमोस्ट 1 and 2 months ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ऑपरेशनल हिस्ट्री में कि हाँ उसका रिसेंटली लास्ट मंथ में उसकी डिलीवरी हुई, ठीक है। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपने कैसे हिस्ट्री को रिलेट करना है अपने पॉइंट से, समझ आ रही है बच्चों? यस मैम।
कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ एक पेशेंट आया है, तो बैक उसकी कोई कॉज होगी ना, तो उसको इन्फेक्शन हुआ ना, ऐसे उसको इन्फेक्शन तो नहीं ना हो गया. तो इन्फेक्शन की बहुत बड़ी कॉज उसकी डिलीवरी प्रोसीजर था. मैम जी, मैम हम ओनली सी सेक्शन भी लिख सकते हैं. बच्चा सी सेक्शन में ना एक्चुअली वजाइनल डिलीवरी नहीं होती, ठीक है. सी सेक्शन में आप एब्डोमिनल बेसिकली हम उसको प्रोसीजर कहते हैं. तो एब्डोमिनल प्रोसीजर में ना आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो नहीं आती, तो वो आपकी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं बनेगी ऑपरेशनल हिस्ट्री में. सी सेक्शन नहीं सिग्निफिकेंट बनेगा. आपने यहाँ डिलीवरी का प्रोसीजर ही मैंशन कर, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसकी, ठीक है. क्लियर है यहाँ तक सबको बच्चों? उस बार अगर हम पेशेंट की एज जो है वो 60 अबव करते हैं, तो फिर यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट जो है ना बच्चे, फिर 60 अबव में ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो फिर उसकी उस रीजन की वजह से नहीं होगा, ऑपरेशन हिस्ट्री की वजह से नहीं होगा ऑब्वियसली. उसमें तो उसने ये रीजन ही नहीं आएगी, फिर उसको कोई और रीजन हो सकती है कि आइदर उसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं थी या शी इज बेड रिडन पेशेंट. तब भी तो हो जाता ना कि बेड रिडन पेशेंट्स को कोई केयर नहीं होती उनकी, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है. मैम कितने स्कूल हिस्ट्री का तो हम नॉट सिग्निफिकेंट का भी तो मसला हो सकता है. क्या बच्चे क्या कह रहे हैं मैम? किडनी का भी तो मसला हो सकता है, उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. किडनी का बच्चों इशू हो सकता है, लेकिन किडनी के इशू की वजह से इतनी ज्यादा उसको ये नहीं हो सकता कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए या बहुत ज्यादा. वो बहुत एडवांस केसेस हैं. फिर उसमें आपको पता क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको फिर थोड़ा सा ऊपर अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को ना चेंज करना पड़ता है. लाइक आप वहां पे फिर खाली पेन और बर्निंग मिक्चुरेशन नहीं लिखते, आप वहां पे लिखते हो कि पेशेंट को साथ ब्लड भी आएगा. ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड हीमाचूरिया. हीमाचूरिया भी मेंशन करना पड़ेगा आपको. आपको फिर ऊपर से अपनी हिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी. ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट केस और बहुत ईजी केस बताया, जिसमें आपको सिनेरियो भी समझ आ जाए और आप अपनी हिस्ट्री को ईजी वे में लिख भी सको. अब इट्स अप टू यू कि जिससे आपने किडनी वाला एक पेशेंट मेंशन करना है, तो फिर किडनी जो फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनका ब्लड आता है यूरिन, ठीक है. फिर उनकी हर डिटेल लिखनी पड़ेगी आपको नीचे. आपको उनको पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी लिखना पड़ेगा, आपको उनकी पफिनेस भी लिखनी पड़ेगी, प्रोप्टोसिस भी लिखनी पड़ेगी. वो जो सारे साइंस मैंने बताए थे कि होते हैं पेशेंट्स को, वो सारे मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ऊपर पेशेंट का डायग्नोसिस बना दिया कि उसको किडनी फेलियर था, एक किडनी की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके मैम, ठीक है. उसके बाद बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉट सिग्निफिकेंट. अदर्स में आप लिख दो कि नहीं पेशेंट की कोई सिग्निफिकेंट. ड्रग हिस्ट्री में आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, इट्स अप टू यू. आप समटाइम्स ना जैसे ये जैसे मैंने ये तो केस आपके साथ एक डिलीवरी प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया है कि फीमेल को जो था ना वो उसकी बेसिकली डिलीवरी प्रोसीजर था और उसके बाद जो है ना उसकी उसको इन्फेक्शन हो गया. समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं उनके इनटेक के बाद ना आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है. खास तौर पे आपने कभी डायुरेटिक्स? हाँ, ये मैं यही पूछने लगी थी कि किसी बच्चे ने इसका नाम सुना है कि वो कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनके बाद जो है ना एंटीहाइपरटेंसिव्स एंड डायुरेटिक्स. हाँ, जो लोग हाइपरटेंसिव्स होते हैं और वो बेसिकली डायुरेटिक्स ना और भी कंडीशंस में लिए जाते हैं. तो जो पेशेंट्स इस तरह के होते हैं ना कि लाइक उनमें हाइपरटेंशन हो या फिर उनको किडनी रिलेटेड इश्यूज हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही.
बच्चों आवाज आ रही है सबको? आई थिंक सो कि मेरे माइक में कोई इशू हो गया। देन हम लोग ड्रग हिस्ट्री में, मैंने जैसे डायुरेटिक्स का बताया तो आप लोग मेंशन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। पर्सनल हिस्ट्री में आप लिख सकते हो क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, तो आप लिख सकते हो कि पेशेंट जो था ना उसकी हाइजीन इतनी प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद फैमिली हिस्ट्री जो थी ना वो आप लिख सकते हो कि नॉट सिग्निफिकेंट, कोई उसको क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोई उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं आती। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आप लिख दो कि मिडिल क्लास था। बाकी यहाँ पे आपको सीवीएस में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जेनिटो यूरिनरी में आपको मेंशन करने की जरूरत है। आप यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख दो कि उसको मिक्चुरेशन में बर्निंग मिक्चुरेशन थी, उसको पेन थी प्यूबिक एरिया के अंदर, ठीक है। अगर कोई बच्चा किडनी का लिखना चाहता तो हीमाचूरिया भी यहाँ लिख सकता है, ठीक है, वो फिर आप इधर मेंशन कर दो। और उसको डिस्कम्फर्ट होती थी एवरी टाइम, मेंशन करेंगे यहाँ पॉइंट्स में मेंशन कर। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में अगेन सारी वही बातें, अपीयरेंस में आप लिख दो कि पेशेंट थोड़ी एंशियस थी और वो मतलब, फिर उसके बाद आपने सारे जो वाइटल्स है ना, ब्लड प्रेशर पल्स रेट, ये सारा आपने नॉर्मली उसका लिखना है। देन इस पे भी कोई फाइंडिंग्स नहीं आएंगी ना, ये हमारे जो फेस के पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस पे सारा कुछ ही नॉर्मल आएगा। उसके बाद पैलर भी नहीं होगा, पेरिओर्बिटल एडिमा भी नहीं होगा, माउथ टीथ हाइजीन भी नॉर्मल, हैंड्स भी उसके नॉर्मल होंगे, ठीक है, फिंगर्स भी, पाम्स भी, नेक भी, और ये सारी चीजें ना उस पेशेंट की नॉर्मल ही होंगी, ठीक है। ये हमने सेकंड केस पर जो डिस्कस कर लिया। मैम ग्रोइन के नोड्स, लिम्फ नोड्स में नॉर्मल होंगे यूरिनरी ट्रैक्ट में? नहीं, उधर फ्रैक्चर की वजह से प्रॉब्लम बनता है। बेसिकली आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से आपके लिम्फ नोड्स पे कोई इफेक्ट नहीं, उसका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं आप लोगों की बेड साइड में जरा ओपन। एक्सक्यूज मी मैम, जी एक मैं कह रही थी कि ड्रग और ट्रीटमेंट हिस्ट्री की मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि इसमें जो भी ड्रग ले रहा है वो पेशेंट पिछला, तो वो लिखनी है या फिर सिर्फ वो लिखनी है जिससे एलर्जी वगैरह की हुई है या कोई डिजीज हो सकती है? बच्चों बेसिकली ना इसमें हिस्ट्री, आप बेसिकली जो आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है ना उसमें जो हिस्ट्रीज है ना उनमें जो आपकी ड्रग हिस्ट्री आती है ना वो कब सिग्निफिकेंट होती है? तब सिग्निफिकेंट होती है कि जब वो आपका ड्रग आपकी वो जो अंडरलाइन डायग्नोसिस बना रहा है ना उसको इफेक्ट कर रहा हो। लाइक मैंने गैस्ट्राइटिस का आपके साथ बताया, अभी मैंने यूरिनरी ट्रैक का बताया कि डायुरेटिक्स पे पेशेंट था तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी। अदरवाइज ड्रग हिस्ट्री, अब आप जिस तरह शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ड्रग हिस्ट्री में ये लिखते होंगे कि पेशेंट कौन कौन सी मेडिकेशंस ले रहा है, सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे। यस मैम, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है तो वो जो डायबिटीज की जो मेडिसिंस ले रहा है वो हम लिखेंगे ना या हम वो नहीं लिखेंगे? मैम SCP-1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा वो बुक के चैप्टर नंबर 1 में ये फॉर्मेट दिया जाता है कि उसमें आपने मेंशन करना है, लेकिन आपका ये SCP-2 है, हमने उसी के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करना है। लाइक हम जब वार्ड्स में हिस्ट्रीज को फिल करवाते हैं ना बच्चों से SCP-2 की, तो उसमें हम यही बताते हैं कि आप लोगों ने वो ड्रग हिस्ट्रीज मेंशन करनी जिससे पेशेंट मतलब हो रहा है। अदरवाइज तो आपका हर पेशेंट किसी ना किसी ड्रग पे तो होगा, आपके पास आया है तो कोई ना कोई मेडिकेशन तो लेगा। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो हेल्दी यंग पेशेंट्स है लेकिन उनको फर्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वहां पर ड्रग हिस्ट्री उनकी नॉट सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? यस मैम, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बेड साइड से, मैंने आप लोगों को एक टेबल जस्ट बताना था, वो आप लोगों ने रिवाइज करना है। और आज का बेसिकली हमारा लेक्चर भी बहुत शॉर्ट सा लेक्चर था उनके साथ ना, जस्ट मैंने ये शेयर करना था। हम टोटल कितने परफॉर्मेंस फील करने हैं? 5 मैम, किसने किसी डिजीज के लिए लाजमी हमने मतलब ड्रग हिस्ट्री, उसके पीछे कोई मेडिकेशन ही है उस डिजीज को कॉज करने में, जैसे फ्रैक्चर में आपने हाँ, वो केसेस केस टू केस पे डिपेंड करता है ना, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का केस है तो उसमें कोई मेडिकेशन तो कॉज नहीं करती ऑस्टियोपोरोसिस, तो नॉट सिग्निफिकेंट लिखेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट लिखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस का अगर केस लिया ना तो उसमें नॉट सिग्निफिकेंट लिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेशेंट को किसी चीज से ऐसा इफेक्ट तो नहीं ना हो रहा, वो तो आपके पास प्रॉब्लम ही किसी और के साथ आ रहा है।
अच्छा बच्चों, इसके बाद हम जनरल, ये मैंने आपको टेबल दिखाना था कि ये जब आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना अपनी प्रेजेंटेशन रीड आउट की है या जो भी आपने बुक पढ़ी है उस पर अगर आप ये टेबल देख लेते हो ना, तो आपका पूरा लेक्चर पूरा SCP2 का कोड समराइज हो रहा है. जनरल अपेयरेंस, यंग ओल्ड हेल्दी इल, फिजिक आपने नॉर्मल अनयूजुअल ऑबीज, इस तरह कॉन्शियस अलर्ट था, कन्फ्यूज था, ड्राउजी था, अनकॉन्शियस था तो मैंने बताया था GCS. पोस्टर एंड एटीट्यूड में कम्फर्टेबल था, डिस्निक था तो बेड पे लेटा हुआ था, इन पेन था तो लाइन स्टिल, शेप हैंड्स की, हैंड्स में हम शेप देखते हैं और साइज, नॉर्मल साइज हैंड्स का और उसकी शेप भी नॉर्मल, ठीक है, लाइक शॉर्ट मेटाकार्पल्स और कार्पल्स. नेक्स्ट नेल्स आ जाते हैं, नेल्स में बेसिकली ये सारी चीजें, पैलेट, साइनोसिस, फाइलोनाइकिया, क्लबिंग, स्प्लेंटर हेमरेजेस, ल्यूकोनाइकिया, पिटिंग ऑफ नेल्स. फिंगर्स में ओजरा नोड्स आ जाते हैं, हर बर्डन नोड्स, बुचर्ड नोड्स, ज्वाइंट स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स और एरिक्नोडेक्टली, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, किसी को याद है? मैम एक दफा बता दें. किसी को मैंने लास्ट टाइम इसमें क्या इसका बताया था, इसमें कुछ थिकनिंग हो जाती है, किसी बच्चे को भी नहीं याद? ये लेक्चर्स मेरे रिवाइज करते हो मेरी प्रेजेंटेशंस? जी बच्चों, प्रेजेंटेशंस पढ़ती हूँ तो प्रेजेंटेशंस में नहीं, ये मैंने टर्म नहीं लिखी हुई थी, किसी बच्चे ने देखी नहीं? मैम स्पाइडर फिंगर्स बताया था इस तरह कुछ. मैम एब्नॉर्मली लॉन्गर, मतलब थिन, क्या बताया हुआ था? स्पाइडर टाइप की फिंगर्स हो जाती हैं, जो फिंगर्स बहुत ज्यादा थिन हो जाती हैं. एक बच्चा बताया, क्या बताया था मैंने? मैम फिंगर्स बहुत एब्नॉर्मली लॉन्ग और थिन हो जाती हैं. यस मैम, ये फिंगर्स एब्नॉर्मली प्रोलॉन्ग और थिन हो जाती हैं. चलो कुछ तो बच्चे मेरा लेक्चर पढ़ लेते हैं. और देन बच्चों पाम में पैलर, पामर, एरिडेमा, स्वेटिंग, ड्यूपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर. ड्यूपिटेंस कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है? मैम इसमें हमारे जो पाम का फेशिया होता है, फिंगर नोड बन जाती है, जो लिटिल फिंगर जो है फ्लेक्सिंग हो जाती है, क्लॉ लाइक हैंड. पल्स में रेट एंड रिदम का, रेट का मैंने क्या बताया था? मैम आपने कहा था कि जो पल्स रेट है 12-20 नॉर्मल होती है, जब आपने पेशेंट की चेस्ट रेज एंड डाउन होते हुए देखनी है, 1 मिनट में काउंट करना है कितनी दफा. और उसके बाद रिदम मैंने कुछ बताया था, कुछ रिदम्स मैंने टाइप्स भी बताई थी, याद है किसी बच्चे को? यस मैम, रेगुलर रिदम, रेगुलर इरेगुलर. टैकीकार्डिया नहीं, नहीं मैंने रेट में बताया था ना, टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, रिलेटिव ब्रेडीकार्डिया, रिलेटिव टैकीकार्डिया. रिदम में मैंने कुछ टाइप्स बताई थी, रेगुलरली, रेगुलरली, इरेगुलर और इरेगुलरली, इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है. देन मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर का कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों प्रेशर में. मूनलाइट फेस किस डिजीज में होता है? कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम. एक्सप्रेशनलेस फेस पार्किंसन डिजीज में. पार्किंसन डिजीजेस. व्हाट इज प्रॉप्टोसिस? इसमें आईज जो है रेगुलर आईबॉल मूवमेंट्स, आई की प्रोट्रूजन हो जाती है. ठीक है. देन टंग हमने पढ़ी थी, ड्राइनेस, पैलर और येलो सरफेस अंडर द टंग. नेक में हमने थायरॉइड को, पर बटन साइन क्या था? जो फिंगर्स के ऊपर क्या करते हैं? क्या था बच्चों साइन? मैम नहीं यार, आर्म्स को हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि आर्म्स को ओवरहेड लेके जाए, कंजेशन आती है उसके फेस के अंदर और नेक वेन्स इंगोर्स्ड हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है उसके फेस पे.
याद आया सबको, मैंने बताया था. यस यस मैम, का फेस रेड है. वीनस ऑब्स्ट्रक्शन. यस मैम. जेवीपी के लिए कौन सी साइड से असेस करती हैं पेशेंट को? राइट साइड से मैम. राइट साइड से. ठीक है. लिम्फ नोड्स का बताया था मैंने कि इनके हमें एरियाज का पता होना चाहिए. एक्सिला में लिम्फ नोड्स एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल सेंट्रल और एपिकल. राइट और लेफ्ट एक्सिला के लिए सेपरेट सेपरेट हम एग्जामिनेशन करते हैं. मैंने दोनों का सेपरेटली बताया था. फीट्स में हमने इसके अलावा कोई पढ़ा थी कोई टर्म? शाइनी फीट्स हो जाते हैं किस केसेस के अंदर? वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में. हाँ, पेरिफेरल बेसिकली वास्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर. नेक्स्ट बच्चों अडीमा था. अडीमा शायद हम लोगों ने डिस्कस पहले कर लिया था ना. उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अडीमा कहाँ कहाँ आपने चेक करना है. डॉट सम ऑफ फुट पर, मीडियल मिलियोलस के बिहाइंड, शिन लेवल पे और सेक्रम में. सेक्रम में बेड फास्ट पेशेंट्स का रिस्पायरेटरी रेट काउंट करना है और टेम्परेचर यहाँ यहाँ फाइंड करना है. माउथ एक्सिला. अच्छा, बेसिकली हम एक्सिलरी टेम्परेचर किन पार्टिसिपेंट्स में करते हैं चेक? मैम चाइल्ड बेड रिडन में. ठीक है. और माउथ में? माउथ जो है वो 3 इयर्स से ज्यादा अगर एज के बच्चे, क्योंकि वो टंग प्रॉपरली ग्रिप नहीं कर सकता. भी था आई थिंक रेक्टल था. रेक्टल हम मेथड पढ़ा था. रेक्टल में बच्चे जो होते हैं बेबीज जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनमें सेफ मेथड होता है बिकॉज माउथ में अप्रोच नहीं कर सकते और उनका एक्सिलरी टेम्परेचर भी एग्जैक्ट नहीं आता. ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू कोई बात समझ ना आई हो? अब हमारे लेक्चर्स जो है ना वो उनके टाइमिंग्स थोड़ी शॉर्ट ही हुआ करेंगी क्योंकि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया. हम जस्ट चीजों को रिवाइज करेंगे. ठीक है मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मैम कुछ टीचर्स हैं जो मिड के बाद तक टाइम दे रही हैं, ईद से पहले पहले और मिड के बाद तक, कि उनका जो है वो मिड के बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो. तो मैम इतनी फेवर मिल सकती है हमें ताकि हम अच्छे तरीके से आपको दे सकें अपना सारा बना के? बच्चों बेसिकली ये है कि आप लोग अपनी जो वीडियो प्रेजेंटेशन और अपनी जो आपकी है ना आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड वो एटलीस्ट मुझे सेंड कर. Yes, ma'am, वो कर लॉग बुक्स की समेशन जो है वो आप अपने मेट्स से करवा सकते हो. ठीक है, उसकी ऑप्शन है एक, क्योंकि आप लोग ऑन कैंपस आ रहे हो तो स्टूडेंट्स मुझे करवा सकते हैं. उसमें मैं उनको दे दूंगी थोड़ा सा रिलैक्सेशन, ये हो जाएगा. लेकिन जो आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन है ना, क्योंकि आपके मोस्टली क्लास फेलोज ने ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स ने मुझे अब तक सेंड करती नहीं है और सबने बहुत और अच्छी बना के सेंड की है. मैंने सबकी चेक भी कर ली है. जिन्होंने मुझे सेंड की थी ना मैंने उनके मार्क्स भी एंटर कर दिए. तो बेसिकली मैंने सबकी देख ली है. उन्होंने काफी अच्छी बनाई हुई है. जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अब बाय नेम भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं. लाइक मैंने उनके बाय नेम फोल्डर मतलब डिजाइन कर लिया था ताकि उन बच्चों के नेम्स और उनके जो कैलकुलेशन था ना उसमें प्रॉब्लम ना. मुझे जो वीडियो सेंड की है अमीना ने की है, अमीना वहीद ने, आयशा इम्तियाज ने, आयशा बिनते हबीब ने, हफ्सा हालिद ने, हमाद हैदर ने, मलीहा जावेद ने, मरियम राशिद ने, मोहम्मद उजैर ने, मुकशफा फातमा राबिया जमील, मुकशफ फातमा ठीक है, राबिया जमील, रिमशा एजाज, रिमशा जावेद, सादिया सैफ, समीना बाबर, सारा अनवर, उमे इमन, जोहा सैफ. कुछ बच्चों ने मुझे अभी रिसेंटली शाम को मैंने चेक की थी मेल, उन्होंने मुझे सेंड की हुई है. तो वो भी उनके भी फोल्डर्स मैं बना लूंगी तो फिर मैं उनको बैक रिप्लाई कर दूंगी कि मुझे रिसीव हो गई. ठीक है बच्चों, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द क्लास उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो 28 जून तक एटलीस्ट अपनी सारी जो ये असेसमेंट है ना ये मुझे आप लोग सेंड कर दो, क्योंकि मैंने आपकी अटेंडेंस भी कंपाइल कर लूंगी. आपकी अटेंडेंस बाकी सारे ऑलमोस्ट हमारे आज तक ये हमारा 7th लेक्चर है. उसके बाद हमारा एक 8th लेक्चर होगा. ऑलमोस्ट हमारे 9 या 10 लेक्चर्स होंगे इसके. ठीक है, उसके बाद में आपकी अटेंडेंस मैंने ऑलमोस्ट कंपाइल कर ली हुई है और उसके बाद एड ऑन करके ना मैं आपकी ये 30% की जो आपकी कैलकुलेशन है ना वो मैं सेंड कर दूंगी फैकल्टी.
बाकी जो आपकी 70% की है, जो आपकी 35 का वाइवा होगा, 35 की लॉग बुक होगी। इसलिए केस हिस्ट्री डिस्कस करने का पर्पस आप लोगों के साथ ये है कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स यहाँ से वो अटेन कर सके। अब लॉग बुक पे भी जिस बच्चे ने एक्स्ट्रा एफर्ट की होगी उसको ज्यादा मार्क्स, ठीक है, जिसने बहुत नीटली उसको प्रेजेंट किया होगा, लिखा होगा, चीजों को हैव हेजिटली नहीं किया होगा, उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऑब्वियसली आप राइटिंग के मार्क्स तो नहीं काटेंगी, राइटिंग नहीं, राइटिंग के मार्क्स नहीं काटूंगी, लेकिन नीटनेस एटलीस्ट होनी चाहिए। ओके मैम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई बच्चों किसी बच्चे को कोई इशू हो? और मैम लॉग बुक में जिन डेज में सिर्फ होम टास्क की है सिर्फ वही सॉल्व करनी है बच्चों, वो ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि पिटिंग नॉन एट पिटिंग, आप लाइट सा स्लाइटली सा मेंशन कर दो क्योंकि वो स्पेसेस की है ना, तो थोड़ा सा पॉइंट्स की फॉर्म में वहां मेंशन कर दो, ठीक है, उसको लिख दो। स्पेसेस और भी बहुत जगह पे फ्री है, जिस तरह आपने ये हमें नेल्स की फाइंडिंग्स पढ़ाई थी उसके आगे मतलब डेज भी हमें बताया हुआ है कि इसमें हमने पढ़ना ये है, लेकिन वो होम टास्क नहीं है, उसके आगे स्पेस खाली है, ना तो उसके आगे नहीं लिखना। ओके मैम, ठीक है बच्चों, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और बाकी मैंने आप लोगों की अटेंडेंस भी आप लोगों के पोर्टल्स पे कर दी थी अपलोड, आप लोगों के साथ शेयर हो गई है? यस मैम, यस मैम। ये तो किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है, मैंने ग्रेस के अटेंडेंस भी मैम, मैम लॉग बुक की फाइनल डेट बता दें प्लीज। लॉग बुक के बारे में क्या बच्चे क्वेश्चन है आपका? मैम फाइनल डेट बता दें ताकि उससे पहले पहले हम तैयार कर लें, क्योंकि आपने बोला ना कि जुलाई तक करवा दें। नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आपके जो मिड्स हो रहे होंगे उसमें आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, इतनी रिलैक्सेशन है आपको, लेकिन केस हिस्ट्रीज को लिखना तो एटलीस्ट आप लोग मेरे लेक्चर से ही नोट कर लिया करो पॉइंट्स, ताकि आप लोग एक अब तक आई थिंक सो मैंने 2 से 3 दफा ये बता चुकी हूँ, केसेस डिस्कस कर ली आप लोगों के साथ, और ऑलमोस्ट हमारे 3 to 4 तो केसेस हो गए होंगे इसी में, तो अगर आप लोग इसको रफ भी मेंशन कर लो और उसके बाद लॉग बुक पे मेंशन कर लो ज्यादा से कितना टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट आप लोग उसको फिल तो करना स्टार्ट करो ना, कि आपको मिड्स में आप पेपर की प्रिपरेशन करोगे या फिर इसको ज्यादा टाइम दो, आप लोगों को एटलीस्ट ये रिलैक्सेशन होगी कि हमारी लॉग बुक्स अच्छा कुछ प्रिपेयर है, हमने जस्ट उनमें 2 से 3 चीजें फिल करनी और हमने सबमिट करवा देनी है। मैम मैम जी बच्चे, मैम आपको मेरी प्रेजेंटेशन रिसीव हो गई है? इकरा जमील नेम है। हाँ जी बच्चे, मैंने बताया ना अभी कुछ बच्चों की मुझे ना मेल आई थी तो उसमें आपका नेम भी था, तो मुझे रिसीव हो गई है सबकी, मैं उनका जो रिप्लाई है ना वो भी मैं थोड़ी देर तक कर दूंगी, तो उसके आगे मेंशन कर देती हूँ कि मुझे रिसीव्ड हो गई है, ठीक है, okay, और मैं उनका फोल्डर बना दूंगी। थैंक यू, ठीक है बच्चों, फिर हम क्लास यहाँ पे अपनी आज करते हैं एंड, बाकी किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो उनसे डिस्कस कर लें। मैम थैंक यू, मंडे से सैटरडे तक यूनिवर्सिटी होती है ना, मतलब बीच में किसी वीक में छुट्टी तो नहीं? हाँ बच्चों, मैं बेसिकली मेरा मंडे ऑफ होता है, लेकिन आजकल मैं क्योंकि एक क्लास मेकअप क्लास किसी और सेशन के साथ है, तो मैं उसके लिए मंडे को भी मतलब मेरा एक लेक्चर होता है, तो आप लोग ये नेक्स्ट वीक आएंगी आप मंडे को? हाँ मैं नेक्स्ट वीक होंगी, तो आप लोग आ सकते हो अगर कोई बच्चे की कोई क्वेरी हो, ठीक है जी मैम। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ पर अपनी क्लास एंड करते हैं, होपफुली इंशाल्लाह आप लोग के अच्छे अच्छे मिड्स होंगे, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को मिड्स के लिए, अच्छी सी प्रिपरेशन करो, और थैंक यू मैम, इंशाल्लाह मुझे इस जो SCP2 की जो क्लास है उसका मुझे रिस्पॉन्स और उसका फीडबैक बहुत ही अच्छा, अपनी ड्यूरिंग लेक्चर्स लास्ट लेक्चर्स में मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई थी कि मैंने एटलीस्ट जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो बच्चों को आती हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा पढ़ाती, बहुत अच्छा है, आपने अच्छा भी तो पढ़ाया। यस मैम, बेसिकली होता है कि हर टीचर अपनी तरफ से एफर्ट जरूर करता है कि अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम दे सके, अब लेक्चर का जस्ट पर्पस ये नहीं होता कि हम थोड़ा सा पढ़ा दें बच्चे को और बच्चे बाकी नेट से सर्च आउट करें या देखें, क्योंकि
अगर एक टीचर आप लोगों को एक डायरेक्शन सही नहीं दिखाएगा तो बच्चों को फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली मेरा बिल्कुल ये लेक्चर में यही फोकस होता है कि बच्चों की अगर लास्ट पे कोई क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं उनको साथ साथ सॉर्ट आउट करती हूँ। और आप लोगों को ज्यादा टाइम आप लोगों की लर्निंग पे हो, ना कि आप लोग चीजों को सर्च आउट करो कि अच्छा ये साइन था तो उसकी क्या पिक्चर थी, ये साइन था तो उसकी वीडियो हम चेक कर लेते हैं कि कैसे थी। तो मतलब ये चीजों में आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, आप लोग फिर लर्निंग नहीं कर सकते, उसकी जगह आप लर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। इसी ये बेसिक पिक्चर ज्यादा ऐड करने का, या समटाइम्स बच्चों को हो सकता है लगता हो कि मेरी स्लाइड भी हैवी हो जाती हैं या फिर कुछ मैं उसमें पिक्चर्स ऐड कर देती हूँ, तो पिक्चर्स बेसिकली उसमें ऐड करने का पर्पज बच्चों आपको एक एक चीज दिखाने का पर्पज होता है, क्योंकि आप लोग इस वक्त हॉस्पिटल रोटेशन पे नहीं है, और ऑलमोस्ट हॉस्पिटल रोटेशन पे भी अगर स्टूडेंट्स जाएं तो हम सारे केसेस नहीं देख सकते। पिक्चर्स में होता है कि हम हर केस को एटलीस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज है तो उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होगी, लाइक बॉडी पे स्कार मार्क्स हैं या हमारे पास डिफरेंट जैसे हम कहते हैं कि जो मैंने पढ़ाए थे आपको पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स, इस तरह की पेरेंट्स है बॉडी के ऊपर, तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता है कि हाँ ये मेरा पेशेंट है तो अगर मैं इस पर ये देखूंगी तो मुझे ये पता चलता। मेरा पूरा ये फोकस होता है कि क्लास में हम अगर फिजिकल नहीं चल रहे, ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उस पर भी आप लोगों के साथ ना मैक्सिमम कॉन्टेंट शेयर करूँ। हो सकते हैं कुछ बच्चों को लग रहा हो कि शायद बर्डन भी है या कुछ ऐसा भी है, लेकिन बच्चों प्रेजेंटेशन में मैं पूरा फोकस ये करती हूँ कि आपकी जो लॉग बुक है उसका सारा कंटेंट आ जाए और कुछ नेट से आ जाए, बाकी आपने बेड साइड तो रीड आउट कर लिया। मैंने बेड साइड से पढ़ाया भी इसलिए कि बच्चों को वहां से कोई मसला ना हो। समटाइम्स होता होगा कि आपके साथ कि आप प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन पढ़ाने में मसला नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन पढ़ा के फारिग और मैं आपको रूम के बुक से रीड आउट कर, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमने एट द टाइम ऑफ एग्जाम तो बुक से ही पढ़ना है। दैट्स वाई मैं पीडीएफ में बुक शेयर करके आप लोगों से वो बुक खोलकर एटलीस्ट बच्चों को कुछ तो याद होगा ना कि हमने ये पॉइंट वहां पढ़ा था और इस तरह हमने वो चीज देखी थी, उसकी ये डायग्राम थी, ये पिक्चर थी, हमें याद है मैम ने ये पढ़ाया था। अच्छा कुछ बच्चे लिख सकते हैं, या जिससे हमने रिटन डाउन एग्जामिनेशन पढ़ा है तो उसको पढ़ाने का मकसद भी यही था, ठीक है। बाकी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, किसी भी टाइम, और आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के रेलिवेंट भी बच्चों के कुछ थी, कुछ स्टूडेंट्स की कि वीडियो की टाइमिंग्स नहीं है, या मैंने उसमें भी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी किसी और मतलब ऐप से बन रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली हम ऑनलाइन सिस्टम पे हैं तो हमें करना पड़ेगा बच्चों के साथ। मैम वो इशू रिजॉल्व हो गया था, आपको वीडियोस मिल गई थी? हाँ वो मुझे वीडियो मिल गई थी आपकी, मैंने एक दफा दोबारा चेक कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आई थिंक सो कि आपकी वीडियो मिल गई थी। अमीना वहीद की आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ जीपीई के नेम से थी ना? यस मैम, जीपीई ऑफ प्रेजेंटेशन। आपकी बेसिकली जीपीई की प्रेजेंटेशन में जो बैकग्राउंड था वो है, एक मिनट ओपन कर लूं मैं आपको बताती हूं। मैंने मैम आपको स्लाइड्स भी सेपरेट भेज दी थी। हाँ वो मुझे स्लाइड्स तो रिसीव हो गई आपकी, बेसिकली ये ऑरेंज और रेड का है ना? हाँ आपका। यस मैम, यस मैम, ठीक है, आपकी रिसीव हो गई है दोनों चीजें। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपना आप लेक्चर हम आज एंड अप करते हैं। बाकी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी मैम, आप सबको रिस्पॉन्स करेंगी जिसकी रिसीव होगी मेल, या सिर्फ जो आज इन बच्चों के हुए उनको रिस्पॉन्स करेंगी? नहीं, मैंने हर बच्चे को रिस्पॉन्स किया है जिस के मुझे रिस्पॉन्स किया। लेकिन मैम मुझे नहीं आया। आज के बाद भी मुझे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप आज करते हो, आज शाम को करोगे, रात के एटलीस्ट मॉर्निंग टाइम तो मैं सबको रिस्पॉन्स सारों की मेल्स पे कर दूँ, ठीक है। लेकिन मैम मुझे नहीं आया था, मैंने तकरीबन दो दिन पहले की है आपको। दो दिन पहले किया आपने? आपने मुझे मेरी ईमेल पे सेंड किया ना, मोहम्मद अमाद। लेट मी चेक, मैं दोबारा इसको एक दफा चेक कर लूंगी, ठीक है। आप ऐसा करो कि मुझे एक दफा दोबारा सेंड। समटाइम्स होता है मेल से स्पैम में चली जाती है तो वो पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगी कि मैं ना एक लिस्ट बना के ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि पता चले कि किसी बच्चे को होता है ना कि समटाइम्स हमने मेल की और मैम को मिली नहीं शायद। मैम मैं आपको एक दफा दोबारा भी सेंड कर दूंगा। मुझे दोनों अपनी जो चीजें ना वो दोबारा सेंड कर दूंगी। ओके मैम, आपका भी क्वेश्चन है? Yeah, I think that's
जी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? आज आपको मेल की थी तो आपको रिसीव हो गई है? हाँ, आज की सारी रिसीव हो गई है मुझे मेल्स, मैं उनके रिप्लाईज भी कर दूंगी सब बच्चों, ठीक है? Excuse me, ma'am. जी मैम, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स भी साथ सेंड करनी है वीडियो के? हाँ जी, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स भी, मतलब प्रेजेंट आपने ज़ूम वीडियो तो सेंड करनी है मुझे, साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी सेंड करनी है, ठीक है? ओके मैम, ओके। आपके बाकी क्लास फेलोज ने भी ऐसे किए। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे हम अपनी आज की मीटिंग एंड करते हैं, और बाकी आप लोगों को बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से, और अच्छा अच्छा अपने अपने जो मेड्स हैं उनको आप परफॉर्म करें। बाकी इंशाल्लाह आपके बहुत, इस क्लास से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, इसका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग रहेगा, बहुत लाइक बड़े अच्छे बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।